श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप है क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखी करो, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो, ना पैसा बड़ा है ना पद बड़ा है, मुसीबत में जो साथ खड़ा हो वही तो बड़ा है, तो मुसीबत में तो कौन खड़ा हो उसको आप समझते हो खुद। भगवान कहते जो तुम्हारी मुसीबत में खड़ा है उसी के साथ तुम खड़े हो जाओ। कहते हैं गीता में भी, भगवान गीता में भगवान जी ने कहा है, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा वक्त इसलिए आता है कि ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि वे असली चेहरे नहीं पहचानते हैं। तो हमें बुरे वक्त को जानना बहुत जरूरी है, जब हम बुरे वक्त को जान आता है तभी वो हमें अच्छे वक्त की कीमत महसूस कर पाते हैं। भगवान कहते हैं, झांक रहे हो इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन, दुनिया सुधरे अब चिल्लाते तब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद पर आज निहारे कौन, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। कहते हमें उसी की याद करना चाहिए जिसकी याद करने से हमारे जीवन के सारे संशय दूर हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी की साड़ी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, कहते महाभारत में ऋषि सब कुछ हारने के बाद उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है, और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने ध्रुव से अग्निपुत्री द्रौपदी को जीत लिया। कौरवों से में से एक भाई दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे नंगा करने की कोशिश करता रहा। जब वो अपमानित होती है तो दरबार में मौजूद बड़े बुजुर्ग चुपचाप बैठे रहते हैं, साथ उसके पति भी चुपचाप बैठे रहते हैं। कोई उपाय न होने पर द्रौपदी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती, हे भगवान, जवाब देते हैं और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी साड़ी इज्जत को बचा लेते हैं। वो क्या कहती है, इतनी साड़ी बड़ी होती चली जाती है कि कभी वो खत्म ही नहीं होती। तभी तो भगवान द्रौपदी ने चिल्लाया, दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खींचा जाता है, भजन भी गाते, दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खींचा जाता है, दुशासन दुष्ट अपने बल को अजमाता है। तो कहते हैं कि हे घनश्याम, तुम दौड़ कर आओ, मेरी चीर खींची जा रही, तुम कहाँ हो, मेरी लाज तो बचाओ। तो भगवान उसकी लाज बचाते हैं। तो कहती है कि मैं समझ गई कि तुमने मेरी लाज बचाया, मेरी साड़ी बढ़ती चली गई। तो कहते हैं मुसीबत में कौन खड़ा होता, भगवान ने इसकी साड़ी इतनी बड़ी कर दी कि जितना भी खींचता गया साड़ी कभी खत्म ही नहीं हुई, उसकी लाज बच गई। इसी तरह भगवान को जब हम याद करते हैं तो भगवान आते हैं, भगवान हमको बचाते, हम एहसास करते हैं, आंखों से देखते बात रहे नहीं, हमें एहसास, अगर हम मन से एहसास करें तो हमें महसूस ज़रूर होता है कि किसने मेरा साथ दिया, और साथ देने वाला भी तो सभी जानते हैं कि है, लेकिन केवल उसमें हमको ज़रूरत है समझने की और उसमें लगन लगाने की। भगवान कहते हैं, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। जो कर्म को समझता है उसी धर्म को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाप शरीर पर नहीं करता विचार करते हैं, पाप हमारा शरीर नहीं करता, ये तो गलत है, इसको जैसे चलाओ चलता है, पाप हमारा मन करता विचार करता, और गंगा विचारों को नहीं धोती है, शिव शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व है, बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो आज के पावदान पर भी लिखा होता। हमारा मैनर बोलने का है, वरना वेलकम तो पावदान पे लिखा हम पढ़ लें। भगवान कहते हैं, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रखो, साफ साफ बोलने वाला अच्छा होता, कड़वा जरूर है, पर वो विश्वासघात नहीं करता है। कृष्ण जी कहते हैं, गीता में बताया है कि जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि घास लेने चली जाती है, इंसान चाहकर भी निर्णय अच्छा नहीं ले पाता, इसलिए इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, वही तो हमारे साथ आएगा, हमारा साथ देगा। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार सांप और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता है,
ठीक उसी प्रकार छली कपटी आदमी अपना स्वभाव कभी बदल नहीं सकता है, वो छल कपट तो अवश्य करेगा, कुछ भी हो जाए सातों धारा में वो खड़ा कर दिया जाए, परंतु वो सत्य कपट जरूर करेगा। अच्छे के साथ अच्छे बनो और बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा ही तो तराशा जाता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जाता। इसलिए अच्छे के साथ तो अच्छे बनो परंतु बुरे के साथ बुरे मत बनो। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बड़ी दवा हंसी और आश्चर्य बात की सब में निःशुल्क है। हंसी और आश्चर्य तो निःशुल्क है, जो इसको अपनाओ, जो निःशुल्क की चीज़ है उसको अपनाओ। कहते हैं वाणी से मूर्ख खुश से बहस मत करो, करने वाला मूर्ख से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता है। मूर्खों से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, चुपचाप बैठ जाओ, वरना तुम भी उसी में निपट नहीं पाओगे, वैसे ही मूर्ख बन जाओगे। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मैं स्वयं नारायण का अंश हूँ और मेरे लिए कोई कर्म बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिना आलस किए कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म के बिना जीवन शून्य है, कर्म ही प्रधान है, मनुष्य को कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। द्वितीय अध्याय के श्लोक में कहा है यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे, इसलिए उठो हे कौतकेय और निष्कर के युद्ध करो। कहते हैं प्रयास स्वर्गम जीतवा व वेद्यम महम तस्मात उद्यतम कौत्यम युद्धाय कृत निश्चय। कहते अनिश्चय है कि यदि तुम वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और जीते तो विजयी कहलाओगे, इसलिए कौतके और निश्चय करके तुम युद्ध करो। आप ही की नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये निश्चय आपको है कि आपको ईश्वर को प्रसन्न करना है या इंसान को। भाई दिखावा करोगे तो भगवान ही तो प्रसन्न नहीं होंगे। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, यकीन ना आए तो देख लो रावण कौरव और कंस। कहते जब हम अहंकार करते हैं तो हमारी तीनों चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, धन भी, वैभव भी और वंश भी। यकीन ना आए तो देख लो, रावण को देखो कितना धन था, क्या हुआ, कौरव को देखो किस तरह से विध्वंस हो गया, कंस को देखो कैसे प्राप्त। तो कहते न विषीर्ण हो तो रावण और कौरव और कंस को देखो। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं, इसलिए कर्म फल के लिए मत करो और ना ही काम करने से तुम्हारी आसक्ति होती है। ये शरद गीता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोक में से एक है जो कर्म करने को दर्शन का मूल आधार मानता है। ये द्वितीय अध्याय का 47वें श्लोक है। द्वितीय अध्याय का 47वें श्लोक में है कि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म करके फल की इच्छा मत करो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय करो, फिर आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख किसी को नहीं होगा, इसलिए मन भी आपका शांत होगा। अपना मन शांत करने के लिए चुपके रहकर निर्णय लो। एक उपकार तभी अच्छा और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद रखता है तो वो उपहार नहीं कहलाता है। कर्मों में जो लिखा है हर हाल में भुगतना पड़ता है,
दुख बचे ना बच जा सकते और दुख खरीदे नहीं जा सकते। कहते कर्मों में जिक्र लिखा है वो हर हालत में भुगतना पड़ता है, दुख से नहीं बचे जा सकते हैं और ना खरीदे और बेचे जा सकते हैं। भाग्य से संजोग से कुछ नहीं होता है, आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता, इसलिए हमें अच्छा मन बनाना चाहिए। अपनी छोटी सी छोटी सी गलती से हमेशा ही बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थर से ठोकर खाता है। हमें छोटी गलतियां ही हमें नुकसान पहुंचाती, बड़ी से तो हम बच जाते हैं। भगवान कहते हैं आपको भगवान को अर्पित करो, यदि सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। गीता में यही उपदेश बार बार भगवान ने किया है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना नहीं जानते हो तो तुम ठोकर खाते रहोगे। ईश्वर के पथ पर चलना सीख जाओगे तुम तो तुम्हें कोई पछाड़ नहीं सकता है। कहे हैं अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए, अपने दर्द को समझाइए, परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है कर सकता है। दुख सुख की छाया है, जो सुख को मांगता है वो दुख को भी मांग रहा है, जानकर नहीं मांगता, क्योंकि कोई दुख को नहीं मांगता है, फिर भी उसे पता नहीं है कि वो मांगे या ना मांगे। सुख की मांग में ही दुख की मांग हो का निमंत्रण हो जाता है, कुछ पीछे आता है कुछ सामने दिखाई देता है। जब भेंट होती है तो थोड़ी देर हो जाती है, सुख बिखर जाता है, दुख हमारे हाथ आ जाता है। कहते हैं फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो कभी ये नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को अपने से हमेशा के लिए अलग कर दिया है। गीता में कहा है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होता है और सत्य के पीछे वो अकेले रहता है। मूर्खों का झुंड असत्य के पीछे ही लग लेता है। इसमें बड़ा सुंदर सा प्रसंग दृष्टांत रामचंद्र का है, सिया राम सब मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसका अर्थ यह है कि पूरे संसार में राम का ही तो निवास है, सब में भगवान राम है, हम उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में वही तो ईश्वर है, हम उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, क्योंकि कर्म का थप्पड़ बहुत बड़ा होता है, इतनी भारी भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि कहीं हम जाते हैं लिखा होता है कुत्ते से सावधान, तो कुत्ते से हम के डर से हम सावधान हो जाते हैं। ईश्वर बड़ा है या कैमरा लिखा होता है, आप कैमरे की नज़र में है कैमरे से सावधान, तो आजकल जो कैमरा लिखा होता है हम पढ़ते ही उससे होशियार हो जाते हैं, फिर हम गलत काम करने में परहेज करते हैं बचते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि आप कैमरे की नज़र में है तो उससे हम बचते हैं। ये उपकरण किसने बनाया है? इंसान ने। पर जिस इंसान ने ये कैमरा बनाया है उसको जिसने बनाया है उस कैमरे से हम डरने में परहेज क्यों नहीं करते हैं? बट हम यही तो एक समझने की चीज़ है कि जिस इंसान ने वो कैमरा बनाया है कि उस इंसान को किसने बनाया है, कैमरा बनाने वाला जो इंसान है हम उसको डरें तो हकीकत में डरते हैं, बट हम कैमरे से डरते हैं ना कि इंसान से डरते हैं।
तो हम भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में हैं, उन्हीं की नज़र में खराब और अच्छा बनना बंद होता है, किसी के निमंत्रण से हमें कुछ नहीं होता, यानी बचने का कोई तरीका नहीं है। बचना है तो हम केवल और केवल शेष मात्र ईश्वर की नज़र से, ईश्वर की नज़र में अच्छे कर्म करें। खींचे खींचे रे दो सासन मेरी साड़ी, अरज सुनो गिरधारी। खींचे खींचे रे दुशासन मेरी साड़ी, मेरी अरज सुनो गिरधारी। ओ खींचे खींचे रे दुशासन मेरी साड़ी, मेरी अरज सुनो गिरधारी। हस्तिनापुर में जाकर देखो, हस्तिनापुर में जाकर देखो, महफिल हो गई भारी। हस्तिनापुर में जाकर देखो, महफिल हो गई भारी। करो पांडव सभा बीच में खड़ी द्रौपदी नारी, करो पांडव सभा बीच में खड़ी द्रौपदी नारी। उसके नैनों से बरस रहे नीरे, उसके नैनों से बरस रहो नीर। रज सुनो गिरधारी मेरी, अरज सुनो गिरधारी। खींचे खींचे दुशासन मेरी साड़ी, खींचे खींचे दुशासन मेरी साड़ी, मेरी अरज सुनो रे गिरधारी। पांच पांडव ऐसे बैठे, पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी। पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी। द्रौपदी अपने मन में सोचे, दी अपने मन में सोचे, दुर्गत भाई हमारी हमारी। द्रौपदी अपने मन में सोचे, दुर्गत भाई हमारी। पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी। द्रौपदी अपने मन में सोचे, दुर्गत भई हमारी। नहीं है नहीं रे धरैया कोई धीर, नहीं है कोई धीर धरई, नहीं मेरा कोई धीर धरई। अरज सुनो गिरधारी मेरी, अरज सुनो गिरधारी। खींचे खींचे दुशासन मेरी साड़ी, मेरी अरज सुनो रे गिरधारी। खींचे खींचे दुशासन मेरी साड़ी, खींचे खींचे दुशासन मेरी साड़ी। तीसरी अरज मेरी ये सुन लीजिए, तीन याद कर दीन कन्हैया, दिन याद कर मोरो कन्हैया। उंगली कटी तुम्हारी, दिन याद करो कन्हैया मेरे। उंगली कटी तुम्हारी, दोनों हाथों पट्टी बांधी चीर के, दो हाथों पट्टी बांधी चीर के अपनी साड़ी। दोनों हाथों में पट्टी बांधी चीर के अपनी साड़ी। आ गई रे कन्हैया तेरिया, आ गई कन्हैया याद तेरी, आ गई गई कन्हैया याद तेरी। बस अरज सुनो गिरधारी, गई आ गई कन्हैया याद तेरी, मेरी अरज सुनो गिरधारी। खींचे खींचे दुशासन मेरी साड़ी, ओ मेरी अरज सुनो गिरधारी। खींचे खींचे दुशासन मेरी साड़ी, मेरी अरज सुनो रे गिरधारी। राधा छोड़ी रुक्मणी छोड़ी, छोड़ी गरुण सवारी। राधा छोड़ी रुक्मणी छोड़ी,
छोड़ी रुकुम सवारी, अरे राधा छोड़ी रुकुमणि छोड़ी, छोड़ी गरुण सवारी, अरे नंगे पैर कंधैया आ गए, नंगे पैर कंधैया आ गए, ऐसे प्रेम पुजारी पुजारी वो तो ऐसे प्रेम पुजारी, अरे राधा छोड़ी रुकुमणि छोड़ी, छोड़ी गरुण सवारी, नंगे पैर कंधैया आ गए, ऐसे प्रेम पुजारी पुजारी वो तो ऐसे प्रेम पुजारी, अरे बच गई द्रौपदी जी की लाज, बच गई द्रौपदी जी की लाज, बस अरज सुनो गिरधारी मेरी, अरज सुनो गिरधारी, अरे खींचे खींचे दुशासन मेरी साड़ी, खींचे खींचे दुशासन मेरी साड़ी, मेरी अरज सुनो गिरधारी, मेरी अरज सुनो गिरधारी, खींचत चीर दुशासन हारो, खींचत चीर दुशासन हारो, खींचत चीर दुशासन हारो, खींच गयो रे बलधारी, खींचत चीर दुशासन हारो, खींच गयो रे बलधारी, दुर्योधन सभा बीच में चकित हूँ नर नारी, दुर्योधन की सभा में चकित हुए नर नारी, खींचत दुर्योधन हारो, हार गयो रे बलधारी, दुर्योधन की सभा बीच में चकित हुए रे नर नारी, अरे बढ़े गयो बढ़े गयो बढ़े गयो हजारो गज चीर, बढ़े गयो बढ़ हजारो गर चीर, बढ़ गयो हजारो गड़े सा, बढ़ गयो हजारो गड़े साड़ी, बढ़े गयो बढ़ हजारो गज साड़ी, मेरी अरज सुनो रे गिरधारी, मैं तो बुला बुला तुम्हें हारी, मेरी अरज सुनो रे गिरधारी, मैं तो बुला बुल के हा, अरे खींचे खींचे दुशासन मेरी साड़ी, खींचे खींचे दुशासन मेरी साड़ी, मैं तो बुला बुला किसे हारी, मैं तो बुला बुला तुम्हें हारी, मेरी अरज सुनो गिरधारी, मेरी अरज सुनो बनवारी, मैं तो बुला बुला तुम्हें हारी, मैं तो बुला बुला तुम्हें हारी, मेरी अरज सुनो गिरधारी, मैं तो बुला बुला तुम्हें री, मैं तो बुला बुला तुम्हें हारी, तो बुला बुला तुम्हें हारी। बोलो सावरिया जी की, कृष्ण कन्हैया की, जड़वा के बिहारी लाल की, जय कृष्ण कन्हैया की।